हेलो दोस्तों, मैं नंदा वैष्णव अपने यूट्यूब चैनल नंदा की रेसिपीज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम तिल और गुड़ की लड्डू बनाएंगे, जो कि बहुत ही कम सामान में बनके रेडी हो जाती है और मकर संक्रांति में सब बनाते ही हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होती है, ठंडी में तो बनाते ही हैं सब। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो मैं इसमें देखिए 300 ग्राम मैंने गुड़ ली है और 300 ग्राम ही मैंने तिल ली है और थोड़ी सी मैंने फली की दाने ली है जिसे मैंने भून करके इसका छिलका निकाल लिया है और 2 चम्मच मैंने ऑयल ली है, आप इसकी जगह घी ले सकते हैं। तो कढ़ाई देखिए गर्म हो गई है, तो मैं इसमें अब भून लेती हूँ तिल को अच्छे से। तो भूनना है पर इसका रंग चेंज नहीं होने देना है, तो इस तरीके से हमें भून लेना है। जो मेरी तिल है एकदम वाइट नहीं है, थोड़ी सी कम ही वाइट है ये। तो देखिए इस तरीके से मैं भून ले रही हूँ। आज हमको मीडियम ही रखना है, लो और मीडियम के बीच में रखकर ही भूनना है। यदि तेज़ रखेंगे तो जलने लगती है और जलने से इसका टेस्ट कड़वा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी भून गई है ये तिल, तो मैं इसे एक थाली में खाली कर ले रही हूँ। और देखिए कढ़ाई में मैं थोड़ी सी जो 2 चम्मच तेल थी उसे डाल दे रही हूँ ताकि गुड़ चिपके नहीं। तो गुड़ को हम मेल्ट होने के लिए छोड़ेंगे इसमें और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे, तेल डालने से चिपकती नहीं है। तो इसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, पानी डालने से समय बर्बाद भी होता है और ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं इसमें बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ऐसे ही चाशनी बनाऊँगी इसकी गुड़ की। तो लगातार चलाते रहेंगे हम, चलाते रहेंगे इस तरीके से। तो देखिए मेल्ट होने लगी है ये गुड़ हमारी, तो इस तरीके से मेल्ट हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगती। तो मीडियम ही रखी हूँ मैं आज इसमें अभी भी। तो देखिए लगातार चलाते हुए से हो गई है मेरी 5 से 7 मिनट और इस तरीके से देखिए इसमें बबल्स आने लगे हैं। तो थोड़ी देर और पका करके मैं इसे चेक कर लूँगी। तो इस तरीके से हमें लगातार चलाते रहना है जब। तो देखिए दोस्तों अब चाशनी को मैं थोड़ी सी पानी में डाल करके चेक कर लेती हूँ। तो इसके लिए पानी ले ली है मैंने, इसमें टपका कर देख रही हूँ। तो देखिए एक जगह पे ही है, घुल नहीं रही है, मतलब हमारी चाशनी अब हो गई है रेडी। पहले फली डाल रही हूँ, फिर उसे मिलाकर मैं तिल भी डाल दूँगी। तो इसे फटाफट हमको मिलाना होता है, न तो ये जमती है और टाइट भी हो जाती है। तो इस तरीके से हमको फटाफट मिला लेना है। तो हम अब जो गैस है बंद कर देंगे। तरीके से देखिए हाथों को दबाते हुए हाथों से बढ़िया से गोल गोल हमको बना लेना है। गर्म रहती है तो पानी छू छू कर ही बनाएंगे तो अच्छे से बनेगी। तो इस तरीके से पानी छू लेंगे दोनों हाथों में और दोनों हाथों में बढ़िया से गोल गोल बना लेंगे हम। तो ये जल्दी से ठंडी हो जाती है और वो टाइट हो जाती है, तो आप किसी का हेल्प भी ले सकते हैं इस टाइम पे। तो देखिए कितनी बढ़िया से गोल गोल बन रही है। तो देखिए इस तरीके से गोल गोल मैंने बनाया है, वैसे ही मैंने सारी लड्डुओं को तैयार कर लिए बना करके। तो दोस्तों मैंने अपनी रेसिपी आप लोग साथ शेयर की है, आप भी ये रेसिपी किसी साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।